रोहतक, सोनीपत और मेरठ की पीएनडीटी टीम ने गुरुवार को परखर अल्ट्रासाउंड सेंटर पर छापा मारा। इस दौरान महिला डॉक्टर को लिंग परीक्षण करते हुए पकड़ लिया। वहीं सेंटर से दो महिला रिसेप्शनिस्ट को भी पुलिस ने हिरासत में लिया है। वहीं अस्पताल के बाहर बेटी बचाओ पोस्टर लगा था। सोनीपत से आए नोडल ऑफिसर ने बताया कि उन्हें काफी समय से सूचना मिल रही थी कि परखर अल्ट्रासाउंड सेंटर में भ्रूण लिंग परीक्षण किया जा रहा है, जो नियम अनुसार अवैध है, अपराध है। इनपुट पर इस ऑपरेशन को प्लान किया, जिसमें एक महिला को ग्राहक बनाया। लेडीज सेंटर के दलाल सुरेंद्र से मिली। दलाल सुरेंद्र ने भ्रूण लिंग परीक्षण के नाम पर 12,000 रुपए फीस बताई। इसके बाद ग्राहक तैयार हो गई। दलाल ग्राहक को लेकर यहां अल्ट्रासाउंड सेंटर में गुरुवार सुबह 9:30 बजे पहुंचा, जहां डॉक्टर मनीषा रस्तोगी ने महिला के गर्भस्थ शिशु का लिंग परीक्षण कर उसे बेटा होना बताया। तभी प्री प्लानिंग के तहत हमारी टीम ने यहां छापेमारी कर दी। डॉक्टर मनीषा, दलाल सुरेंद्र और दो फीमेल रिसेप्शनिस्ट को पकड़ रहा है। सोनीपत रोहतक की टीम ने बताया कि पहले भी वो इस सेंटर पर छापे मार चुके हैं, लेकिन कहीं से सूचना लीक हो गई, इसलिए सफलता नहीं मिली। लगातार सेंटर के खिलाफ शिकायतें आ रही थी। दोबारा प्लानिंग के साथ छापा मारा गया है। ये एफजी चौराहे का मामला है, थाना सिविल लाइन का है, प्रखर अल्ट्रासाउंड सेंटर, डॉक्टर मनीषा रस्तोगी का। इनके यहाँ सूचना मिली थी तो डीएम साहब के यहाँ से मजिस्ट्रेट के रूप में नामित किया गया और टीम को सहयोग देने के लिए कहा गया। हम लोग तकरीबन सुबह 9:30 बजे आए और जैसा कि आपको पहले डॉक्टर साहब ने बताया, वो कार्रवाई यहाँ की गई। सर, कितने लोगों को एक सूचना मिली थी कि एक दलाल के माध्यम से इस क्लिनिक पे भ्रूण लिंग जांच का खेल चल रहा है, तो हमने एक इन्फॉर्मर के थ्रू इनसे संपर्क किया और इन्होंने 12,000 रुपये में सौदा किया। 12,000 रुपये दे के हमने एक नकली ग्राहक बना के उस दलाल के साथ यहाँ भेजा, तो यहाँ पे आज इस क्लिनिक पे आने के बाद उन्होंने अंदर जो मैडम है, मैडम ने उस ग्राहक का लिंग जांच किया और लिंग जांच करके उसमें उनको लड़का होना बताया। ये पीएनडीटी एक्ट के तहत एक बहुत बड़ा जुर्म है और इस जुर्म में ये लोग भागीदार हैं और इनको पकड़ने में हमें बहुत सहयोग मिला है मेरठ जिला प्रशासन का। मैं धन्यवाद करना चाहूँगा डीएम मेरठ, सिटी मजिस्ट्रेट मेरठ और नोडल ऑफिसर पीएनडीटी मेरठ। इन लोगों का बड़ा सहयोग रहा है इस काम के लिए और इनके सहयोग के कारण ही हम लोग आज इस कार्रवाई को अंजाम दे पाए हैं। कितने लोग हिरासत में ले गए हैं, क्या नाम है इस क्लिनिक का? प्रखर अल्ट्रासाउंड सेंटर इस क्लिनिक का नाम है और इसमें हमें यहाँ एक डॉक्टर, जो महिला डॉक्टर हैं वो उनको हमने पकड़ा है। उनके साथ में दो उनके बाहर रिसेप्शन पे जो लड़कियां काम कर रही हैं उनको पकड़ा है और एक जो बीच में दलाल काम कर रहा था सुरेंद्र नाम का, उसको हमने पकड़ा है। चार लोग। क्या क्या चीज़ें बरामद हुई हैं और ये कब से चल रहा है सर? ये काफ़ी टाइम से खेल चल रहा है, हमें पहले भी सूचना मिली थी। एक बार हम पहले भी आए थे लेकिन उस दिन किसी दलाल को कुछ शक होने की वजह से उसने मना कर दिया था, हम वापस गए थे। काफ़ी टाइम से ये खेल चल रहा है यहाँ पे। सर, क्या और भी ऐसे शामिल हैं जी? अभी इसके बारे में हम कुछ नहीं कह पाएंगे। सर, अभी तक की आपकी जांच में क्या ऐसे तथ्य बाहर निकले हैं, कितने लोग ऐसे होंगे जो इस जाल में फंसते चले गए थे और किस तरीके से अब उनके आगे मदद की जाएगी या फिर अब और ऐसे कार्रवाई ऐसे डॉक्टर्स पर? देखिए, सामाजिक रूप से हम सब ये जानते हैं कि यदि समाज में लड़का और लड़की का संतुलन ठीक नहीं रहेगा तो बाकी सारे के सारे जुर्म जो है वहीं से शुरू होते हैं, तो ये इसकी जड़ है और समाज में इस बैलेंस को बनाए रखना ही पीएनडीटी के तहत ये एक एक्ट बनी इस संतुलन को बनाने के लिए। और इसी को मद्देनज़र रखते हुए आज ये कार्रवाई हुई है और हमें लगता है कि यहाँ काफ़ी टाइम से चल रहा होगा काम, लेकिन जब तक हमारे पास कोई पुख्ता सबूत बाकियों के नहीं मिलते हैं हम कुछ नहीं कर पाए। सर, एक सवाल यहाँ पर ये है, इस कड़ी में मैं एक डॉक्टर को यहाँ पर जोड़ना चाहूँगा। छत्तीसगढ़ से वो डॉक्टर, वहाँ पे उसका लाइसेंस बैन है, डॉक्टर तरुण बराक वो अपना नाम लिखता है, फिजियोथेरेपिस्ट है, हालांकि आईएमए का जो रूल है उसमें वो डॉक्टर नहीं लिख सकते तरुण बराक, और वो वहाँ नहीं। ऐसा देखिए कि इससे पहले भी लगभग हमने यहाँ 15-16 डिकॉय किए हुए हैं और उसमें हरियाणा के साथ भी किए हैं, कुछ हमने अलग भी किए हैं। तो कुछ समय से जो था, हमें ये लग रहा था जहाँ हमारे मुखबिर जो काम कर रहे थे, तो हमें कई बार मुखबिरों से कोई सूचना नहीं मिल रही थी, तो हमें ये लग रहा था कि जब हमने पता किया कि मेरठ के अंदर ये काम नहीं हो रहा लेकिन आसपास कहीं हो रहा है,
तो हमें ये थोड़ा चैन था कि मेरठ के अंदर ये काम को हमने रोक दिया है, क्योंकि हमने 37 लोगों को पहले भी जेल में डाला और हरियाणा की टीम के साथ और अपने आप भी हमने जितने डिकोय किए 15 से 16 डिकोय किए, तो हमें ये थोड़ा ये या तो कहते विश्वास था या अतिविश्वास था कि अब मेरठ के अंदर ये काम नहीं हो रहा है, लोग अब डरे हुए हैं। लेकिन जैसे आज की घटना हुई है तो इससे हम और आगे बढ़ाएंगे, जो अपने मुखबिरों को और एक्टिवेट करेंगे और निश्चित रूप से जो भी ऐसे लोग हैं उनके ऊपर शिकंजा कसा जाएगा। सर, आपके विश्वास के चलते कहीं ना कहीं लापरवाही देखने को मिल रही थी प्रशासन की? नहीं नहीं, प्रशासन की है, प्रशासन का कोई लापरवाही नहीं रही है। देखिए, ये एक सामाजिक बुराई है। सामाजिक बुराई ये है कि जो व्यक्ति जिसके अंदर लड़का लड़की की चाह होती है, समाज के अंदर हम सभी हैं, पत्रकार भी हैं, चिकित्सक भी हैं, सभी के लोगों को जिम्मेदारी तो लेनी पड़ेगी। ये लोग जो आ रहे हैं, इनके पास में आ रहे हैं, वो वही आ रहे हैं जिनके परिवार में पुत्र कामना इच्छा ज़्यादा होती है। ये तो एक सामाजिक बुराई है, इस सामाजिक बुराई से लड़ना पड़ेगा। जहाँ किसी के परिवार में 3-4 लड़कियाँ हैं तो वो कोशिश करता है कि उसके परिवार में एक लड़का जरूर हो, यहीं से बीमारी चलती है। तो हमें समाज के अंदर सुधार करने पड़ेंगे और लड़के लड़कियों को बराबर के अधिकार देने पड़ेंगे, तभी लोगों के अंदर ये भावना होगी कि भाई लड़के भी बराबर हैं, लड़की भी बराबर है, तो लड़के लड़की की जांच क्यों कराएं। तो ये हमें समाज से लेकर शुरुआत करनी पड़ेगी। सर, एक सवाल यहाँ पे है कि व्यक्तिगत तौर पे भी ये देखा गया है और मौखिक रूप से कई बार शिकायत भी आई है कि अगर इस तरीके का कहीं पे कुछ भी ऐसा होता है तो कई बार शिकायत CMO ऑफिस में की जाती है, स्वास्थ्य विभाग अधिकारियों से की जाती है, लेकिन जो एक जवाब वहाँ से मिलता है कि हमारे पास में अभी टीम नहीं है, हमारे पास में अभी सचिव दस्ता नहीं है, तो ऐसे में तो जो शिकायत करता है वो फिर कहाँ जाए, वो पीड़ित कहाँ जाए? ऐसा नहीं है, ये बिल्कुल ही गलत धारणा है। PCPNDT एक्ट के अंदर ये नियम बनाया गया है कि जो भी लिखित में सूचना मेरे कार्यालय को मिलेगी, मुझे उस पर 24 घंटे के अंदर कार्रवाई करनी पड़ेगी, मुझे उसकी जांच करनी पड़ेगी, सिटी मजिस्ट्रेट का साफ लेकर या उसको एरिया के जो भी हमारे मजिस्ट्रेट है, 24 घंटे के अंदर मुझे उस PCPNDT की शिकायत के ऊपर निश्चित रूप से कार्रवाई करनी ही पड़ेगी। जहां से आपको सूचना मिली, बिल्कुल गलत है, तथ्यों से परे।